नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कंटेंट में कुछ यूनिकनेस लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो दोस्तों होने जा रही है सोलर पैनल से रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर इंडियन रेलवे काम कर रहा है। इससे पहले मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मार्च 2020 में बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि वर्ष 2020 के बजट में रेलवे के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कीम लाई गई थी। अब उस स्कीम के रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। स्कीम ये थी कि रेलवे के जितने भी खाली पड़े लैंड हैं ट्रैक के साइड में, वहाँ पर हम सोलर प्लांट लगाएंगे, और साथ में रेलवे के जितने भी बड़े से बड़े रेलवे स्टेशन से लेकर छोटे से छोटे जो भी बिल्डिंग है रेलवे की, उन सभी के ऊपर सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाएंगे। और उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक उनको 10 गीगावाट जनरेट करके देना है, जिसमें 5 गीगावाट तक तो रेलवे यूज़ करेगा अपने काम के लिए, जिससे वो अपनी कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा कमी ला सके। और खर्चों में अगर वो कमी ले आएगा सोलर की मदद से, तो प्रॉफिटेबल वो इतना हो जाएगा, और आप सोच सकते हैं कि फिर कितने ज़्यादा हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे रेलवे अमेनिटीज़ में। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के बारे में रेलवे की, जिसमें उसने वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा करके दिखाया है। बीना मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस बीना रेलवे स्टेशन के पास में चल रहा था भारत का पहला सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, जो कि रेलवे कर रहा था BHEL के साथ मिलकर के। ये प्रोजेक्ट जून 2020 में पूरा हो गया था। 1.7 मेगावाट का ये पावर प्लांट है बीना में। अब पावर प्लांट तो ऐसे कई सारे बन रहे हैं, इनकी खासियत ऐसी क्या है कि ये बहुत ही खास है। दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाई थी 2020 में, तभी तैयार हो रहा था, और अभी कमीशन भी हो चुका है और 1.5 साल से ही चल भी रहा है। और इसकी खासियत यह है, ये इंडिया का और रेलवे तो ये भी कहता है कि वर्ल्ड का पहला ऐसा पावर प्लांट है सोलर का, जिसके द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी का यूज सीधे डायरेक्टली OHE में करा जाता है। अब यहाँ से आपके मन में बात आ ही गई होगी कि ओवरहेड इक्विपमेंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जा रही है, इसका मतलब जो ट्रेनें चल रही हैं बीना के आसपास के सेक्शन में, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ परसेंट का हाथ अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी का भी है। तो ये जो सोलर एनर्जी है, ये तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और साथ में हम जितने भी एक दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर से बना पाते हैं इस प्लांट से, उससे हम फ्री में उन ट्रेनों को एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब उन ट्रेनों का उस सेक्शन के इर्द गिर्द जो भी आवागमन हो रहा है, उसमें रेलवे अपनी कॉस्ट कहीं हद तक कम कर पा रहा है ऑपरेशन की ट्रेन के। भारत में अभी भी 50-60% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि जैसे कोयला हो गया, इस पर निर्भर करती है। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनसे हमें अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी ही होगी, क्योंकि रेलवे तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री भी हो चुकी है 2022 में। अभी हम देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए भी बढ़ता नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमें ऐसे सोलर प्रोजेक्ट लगाने ही होंगे और विंड प्रोजेक्ट भी लगाने ही होंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में पड़ता है। अब क्या हुआ है कि इस 1.7 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है अवार्ड के लिए। इंटरनेशनल अवार्ड है ये, और जो ये इंटरनेशनल अवार्ड है ये किस तरीके से मिलने वाला है मैं बताता हूँ आपको। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से राहुल जयपुरियार जी ने PTI को बताया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने रिसेंटली शॉर्ट लिस्ट किया है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए इंडियन रेलवे के इस बीना के रेलवे पावर प्लांट प्रोजेक्ट को। जो ये कैटेगरी है जिसके अंतर्गत ये प्राइज मिलेगा, ये कैटेगरी है बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी कैटेगरी। इसमें 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसमें 3 प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें हमारा भारत का है पहला, आप जानते ही हैं। अगला है इस रेस में रेलवे ऑफ ईस्ट जापान, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया, उन्होंने भी कुछ ऐसा काम करके दिखाया है इस क्षेत्र में। और अगला है साउथ अमेरिका। तो अमेरिका और जापान के बीच में आज इंडिया भी खड़ा है इंडियन रेलवे के इस ग्रेट इनिशिएटिव की वजह से, और यही बात है जो कि अब भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाती है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो दोस्तों इंडियन रेलवे इन 2 रेलवे के साथ कम्पीट कर रहा है इस शॉर्टलिस्टेड होने के बाद में। इसका रिजल्ट आएगा जून 2022 में। तो जून 2022 में पता लग जाएगा कि रेलवे को अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों तब तक के लिए रेलवे को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं,
उन्होंने अच्छा काम किया, अवार्ड मिले ना मिले हम लोग इस काम में लगे रहें, इसलिए प्रोत्साहन तो करना बनता है रेलवे का। कुछ खास बातें बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की दोस्तों। 25 kV जो कि OHE में नीड होती है जिस तरह की वोल्टेज की, उसको ये जनरेट करके सीधा डायरेक्टली OHE में फीड करता है। 5,800 सोलर मॉड्यूल्स वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। इनको इंस्टॉल किया गया है 145 मॉड्यूलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स पर, जो कि 1050 पाइल फाउंडेशन पर खुद लगाए गए हैं। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। ये जनरेट करता है 1.8 मिलियन यूनिट पर ईयर। एक साल में 1.8 मिलियन यूनिट ये जनरेट करके देता है। और ये प्लांट कैपेबल है 2160 टन्स ऑफ CO2 एमिशन को कम करने में पर ईयर। तो एक साल में 2110 टन CO2 कम करता है। आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से प्लांट से इतना असर पड़ गया, तो हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे कितना असर पड़ पाएगा एनवायरनमेंट में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट था ये एक प्रूफ है इंडियन रेलवे के फ्यूचर ड्रीम का। वो ड्रीम है ग्रीन इंडियन रेलवे बाय 2030। तो 2030 तक ग्रीन इंडियन रेलवे बनाना ही है। आप लोगों ने एक बहुत ही मेजर चेंज देखा होगा पिछले 3 सालों में। आपके आसपास के छोटे रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए, स्टेशन मास्टर के रूम पर जाके देखिए छोटे रेलवे स्टेशन पर, उन सभी के ऊपर रूफ टॉप सोलर पैनल आपको दिख जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों। यहीं से पता लगता है कि हम 10 GW को जरूर अचीव कर लेंगे बहुत ही जल्द। और ये बहुत खुशी होती है देख करके कि इंडियन रेलवे ये इनिशिएटिव ले रहा है और हमारे यहाँ पे अब ट्रेनों की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कुछ परसेंट शेयरिंग सोलर एनर्जी की भी अब होने लगी है। जब भी आपकी ट्रेन अब बीना के तरफ से निकले, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का पार्ट है, आप ये महसूस जरूर करना कि आपकी ट्रेन में अगर इलेक्ट्रिक लोको लगा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है वो सोलर प्लांट से भी आ रही है जो कि बीना में स्थित है। कुछ इसी तरीके का प्लांट दोस्तों हरियाणा के जो पानीपत है वहाँ दीवाना रेलवे स्टेशन पर भी 2 MW का प्लांट लगाया जाना था। उसका भी कुछ अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा आगे आने वाले टाइम में। फिलहाल वो अभी कमीशन हो चुका है, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। और 50 MW का प्लांट तो भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ पर भी लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से रेलवे की भूमि का भी बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। इसी भूमि पर विंड पावर प्लांट लगाने के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं फिलहाल जो इंडिया में अभी चल रहे हैं। इंडियन रेलवे हमारे PSUs के साथ मिलकर के और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर के इन इनिशिएटिव्स को ले रहा है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।